that we have released recently. Thank you so much. I'm also in support of the song. Yeah. मैंने गाने में कुछ भी नहीं किया. Of course. But मैं सब लोगों के support पे हूँ आज. Thank you so much for coming for this song as well. Could you please tell us a little experience of working with Jesse J for your new song that you have? Very good because वो बहुत सुरीले artist है और वो भी सुरीले artist के साथ काम करके अच्छा ही लगता है और जो artist सुरीले नहीं होते हैं जिनको music की समझ नहीं होती उनके साथ मैं काम नहीं करती so बहुत अच्छा लगा and सब लोगों ने गाने को इतना प्यार दिया that was amazing और आपका solo गाना लड़ा था उसके ऊपर भी आपको बहुत प्यार मिल रहा है बस गाना रीलो पे बहुत अच्छा चल रहा है एंड सब लोगों से प्यार मिल रहा है टू मेनी प्रोजेक्ट्स एक्चुअली सो बबू भाई और मेरा एक नेक्स्ट सिंगल आ रहा है विच इज़ अ डुएट सॉन्ग एंड देन रिसेंटली शॉट विद प्रतीक सहजवाल सो मोर ऑफ हिंदी फ्लेवर्स दिस ईयर क्योंकि पंजाबी गाने काफ़ी सारे करते हैं क्योंकि थोड़ा सा हिंदी करिए अरे होली के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ बचपन से मतलब बचपन में मेरे गुब्बारे वुब्बारे बाल्टियाँ भर के सब कुछ तैयार होता था जब भी होली होती थी और दो साल से होली अच्छे से नहीं मनाई सो आई वॉज मिसिंग इट एंड इस साल पूरा आई होप कि होली सब लोग मेरे साथ सब इंजॉय करेंगे जस्ट लास्ट क्वेश्चन एनी एनकरेजिंग वर्ड्स फॉर बडिंग आर्टिस्ट डू गुड म्यूजिक डू अपने सोल को देख के आप वो म्यूजिक करो इंडिपेंडेंट म्यूजिक करो क्योंकि पहले मैं भी बहुत प्लेबैक और बॉलीवुड के लिए गाना है मेरे भी बचपन से ऐसे ही सपने थे बट देन आई स्लोली अंडरस्टूड कि वहाँ पे आपको कुछ बन के गाना पड़ता है जब आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक करते हो तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे भी आप चाहते हो सो आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंदा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करे जो कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक के थ्रू हो सकता है सो या डू गुड म्यूजिक जो आपका दिल कहता है वो म्यूजिक पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस गाने के लिए बहुत खूबसूरत गाना है बहुत सही लिखा हुआ गाना है कुछ गाने के बारे में थोड़ा इंस्पिरेशन बता दीजिए आपका लिरिक्स लिखने के पीछे का इंस्पिरेशन पहली उम्र का इश्क होगा कॉलेज का इस तरह के गाने कॉलेज में जहन में आते हैं ख्याल तो इसका है मैं तो आगे दे रहा हूँ हाँ कह रखें जो आप फील करते हो जिस मोमेंट पे उस मोमेंट पे आप जो भी लिखते हो उसी को रिजेंबल होता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है हो सकता है कि उस वक्त जो लिख रहा था यही सब माइंड में चल रहा होगा पहले उस तरह की लिरिक्स आए बन फिर ज़बरदस्ती लिखते नहीं लिखा जाता है तो ये लिखा गया और बहुत खूबसूरत गाना है सर आप बताइए देखिए ये इसका बड़ापन है मुझे क्रेडिट दे रहा है मैं बिल्कुल लाइन में पीछे हूँ बिल्कुल पहले शायर आता है उसके बाद कंपोजर है उसके बाद फिर ट्रीटमेंट है उसका फिर उसके बाद वो अच्छा एक जो होता है वीडियो डायरेक्टर है जिसने मेकअप करके मेरा रंग सेट कर दिया तो सर मैं तो बिल्कुल बैक बेंचर मैं तो अपनी क्लास में पीछे बैठा था मैं सब बिल्कुल अखीर में हूँ हिंदी गाना गा के सर आपको कैसा लगा थोड़ा सा देखो हिंदी पंजाबी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है पंजाब और जो हरियाणा का बॉर्डर है वहाँ मिक्स बोली जाती है और जो बॉलीवुड का गाना उसको आप हिंदी नहीं कह सकते इसमें हर भाषा मिक्स है इसमें उर्दू भी मिक्स है इसमें अरेबिक भी है इसमें पंजाबी भी है इसमें संस्कृत भी होती है तो ये बॉलीवुड को आप एक भाषा से मत जोड़िए ये तो मतलब समझिए भी कितनी भाषाओं का एक मिश्रण है शायद इसीलिए इतनी अच्छी मेलोडी आ रही है थोड़ा एसोसिएशन के बारे में बता दीजिए कि कैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा शायर है देखो फिल्मी लेखक होना या गाना लिखना एक अलग बात है किसी के अंदर का जो शायर होता है वो होना बहुत ज़रूरी है और जो होता है कि प्रोफेशनल राइटर एक और एक शायर उसमें भी बहुत फ़र्क है ये शायर है स्पेशली तो मेरा गाने को हाँ करने का आधा मसल तो यही था कि बब्बू सर डैड और उनके साथ बड़ा कम्फर्टेबल वेरी सीनियर इज़ वेरी कोल क्योंकि उन्होंने था कि मैं ना थोड़ा डरी हुई थी बहुत ज़्यादा तो मेरे
हेल्पफुल, अक्सर मुझे डर लगता है आपसे. नहीं नहीं आई एम नॉट लाइक दैट. तो कहते हैं मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मुझे इंटरव्यू के साथ काम करूँ तो बहुत ईजी काम होता है, बहुत स्वीट काम होता है. एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग द मूवी? इट वाज गुड. और बहुत ठंड थी तो चंडीगढ़ में हमने शूट किया, बहुत ठंडी, बट इट वॉज कम्प्लीटली गुड. इट वॉज वेरी स्वीट, बहुत अच्छा शूट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब अपना काम करते हैं और मज़ा आया काम करके. दैट्स वेरी नाइस टू हियर. सो एनी प्लान्स आर कमिंग टू बॉलीवुड फॉर प्रोजेक्ट और समथिंग? नॉट नाउ. अभी हम एक्चुअली अभी मेरी एक फिल्म आ रही है निशाना पंजाब में, तो अभी तो मैं वहीं पर हम वर्किंग कर रहे हैं. अभी यहाँ तो फिर आने का प्लान है नहीं है. हाँ कुछ अपने आप आ जाएगा. एनी मोर देन म्यूजिक और मूवीज से बाहर आके आप कुछ करने का प्लान कर रही है यहाँ हिंदी म्यूजिक पंजाबी म्यूजिक? यहाँ पे पंजाबी से निकल के यहाँ थोड़ा, हाँ यहाँ पे इस तरफ. हाँ श्योर. मतलब अगर अगर यहाँ के लोग लगता है यहाँ पर सबकी जर्नी यही होती है लास्ट में, सबको यही पसंद होता है. और मैं बड़ी बचपन में हिंदी पुरानी फिल्म देखती हूँ, पुराने गाने सुनती हूँ, तो हाँ डेफिनेटली अगर कुछ भी होता है, अभी तो कुछ है नहीं, हाँ आई हैव प्लान कुछ ना कुछ. लास्ट क्वेश्चन, एनी वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर इंडिया? वैसे मुझे लगता नहीं कि हमें किसी को सजेशंस देने चाहिए ऐसा कुछ, बट हाँ हाँ एडवाइस दी मैं. मुझे लगता है कि प्योरिटी को ईमानदारी बहुत, मतलब मुझे लगता है सबको ईमानदारी से और पूरे फोकस से काम करना चाहिए. और आई थिंक यू विल गेट एवरीथिंग जब जो भी आपको चाहिए. लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपका होली के थोड़े प्लान्स के बारे में? होली प्लान्स वही मैंने पहले भी सबको ही बताया था कि शायद हरे राम हरे कृष्ण मंदिर या फ्रेंड्स के साथ चिल करूँगी, बट मुझे इतने कलर्स डालने पसंद नहीं है. हाँ हर्बल कलर टाइप की और भुजिया खाने का बहुत मन है. अब हमेशा मम्मी बनाते हैं और अभी मम्मी यहाँ है नहीं, तो फिर अभी थोड़ा सीख चलाना पड़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चंस. होता ना कहीं की वाइब मिल जाती है, सब कुछ लोगों की वाइब मिल जाती है और एकदम बात करने को मिल जाती है. हाँ अदरवाइज पी आर सुनते हैं ऐसा होता है कि मुझसे कोई लड़की होगी और वैसे टीम में कुछ पूछेगी ओके टेल मी साथ साथ ही. थैंक यू. देखो जिदा हम तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए है ना, कितने सोहने लगते हैं तुम इतना लाइन च बैठे हो, असं भी लाइन च बैठे हैं और तुम सवाल करते हो अं जवाब दे रहे हैं. इतने गीत का भी एक पत्र होंगे जो ये स्टेज होंगे फिर तुम टाइया ला के सामने बैठोगे फिर मैं गाऊंगा तो सवाल आगे. आपको कोई नहीं इतने प्रोग्राम ही रख लें वेले ही तसली करा देंगे चार घंटे जिन्ना सुनना सुना देंगे. मैम आपसे इंसान वीडियो में काम करके कैसा मैडम भी कहेगी तो मैं लाउडली बोल रही हूँ. बहुत अच्छा लगा गप्पू सर के साथ काम करके. वैसे सब सबकी ख्वाहिश रहती है कि गप्पू सर के साथ काम करें. अच्छा थोड़ा हैरानी होगी कि गाँव भी बहुत सोहना लिखता तो कमाल है पर गाँव भी सर जी हो जाए दोनों हो जाए मैम हो जाए सुर देना सुर चाहिए सुर चाहिए नीचे
प्लानिंग क्या प्रोजेक्ट को लेकर अभी वर्किंग इन सब पंजाबी फिल्म्स और इन्हीं हिंदी फिल्म वर्क कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी पंजाबी फिल्म में काम कर रही हूँ लुकिंग फॉर वर्किंग इन बॉलीवुड बॉलीवुड भी आ रही जितना का बॉलीवुड आ बॉलीवुड से बैठे हो एक प्रोजेक्ट बढ़ जूगा एक अच्छा प्रोड्यूसर मिल जूगा एक्टर चढ़ गए देखो सारी टीम ही है शायद यही फिल्म बना दो साडा डायरेक्टर भी जा फिल्म का संगीतकार हो गया लेखक हो गया मैं गा दूंगा ये छोटी हीरोइन हीरो साडा शान है कि नए कलाकारों को ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है तो आपकी जो कंपनी है म्यूजिक कंपनी किस तरह से प्रमोट करेगी या किस तरह से ब्रेक ये दो चीज़ा मैं तुम दफ्तर इन्होंने शायद जवाब नहीं देना होगा अजकल जो सिस्टम यह बन गया कि ज़्यादा गाने इंटरनेट पर चलते हैं उसके लिए कई बार पब्लिसिटी बहुत करनी पड़ती है हम जी कंपनियां गाने लेंगे वो भी ये पूछ के लेने कि इस आर्टिस्ट को ट्रैफिक पैदा कि साड़ी रिटर्न होगी क्योंकि रिटर्न से सोर्स घटी बहुत सिर्फ इंटरनेट रह गया या यूट्यूब रह गया है ना आई ट्यूब तो भी हम कि गाने क्योंकि जो उन्होंने एप्पल म्यूजिक शुरू कर 5-10 रुपए दो तो सारा महीना गाने से भी एक प्रॉब्लम है इंटरनेट की सब तो वही मार है जी उस संगीत के फिल्मों को मैं लगता है ये पहला कंपनी को पैदा तो करेंगे जो इन को उस तरह का मनी इकट्ठी होगी फिर ये एफर्ट कर सकते हैं बहुत लोगों को जा सकते सर जाना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे मेरी कंपनी जो ऑनर है किस तरह से आपको सपोर्ट किया और कैसे एसोसिएशन होगा आगे चलते आपसे अंत में सर आपकी आवाज एसोसिएशन आपका डायरेक्टर फाउंडर से मेरी टीम के और आगे कैसे एसोसिएशन रहेगा आपका आई टी जी जी मुझे लगता है अच्छा रहेगा मतलब बहुत अच्छे इंसान है और वो काम की समझ है तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा फ्यूचर में भी एसोसिएशन बनी रहेगी चलो चाय जो पियो ना वाली पियो मौसम अच्छा है हाँ भी पी डी सी वाला तेरा की हाल है ठीक है बस जी बढ़िया